हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अश्विन फार्मा एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं जीपेट एग्जाम के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, बेनिफिट, इसके कट ऑफ और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और प्लानिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जीपेट। जीपेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएशन फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये जो एग्जाम होता है वह कंडक्ट कराया जाता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 2019 से। जीपेट जो होता है वह नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके द्वारा हम लोग एम फार्मा और फार्म MBA के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो भी स्टूडेंट बी फार्म कर चुके हैं या फिर बी फार्म लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में है, वे जीपेट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद है एज लिमिट। जीपेट एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। जो भी बी फार्म कर चुके हैं वे कभी भी जीपेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है जीपेट का वह कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग को देना रहता है। फ्रीक्वेंसी, जीपेट का जो एग्जाम होता है वह एक साल में बस एक बार होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन हमारे चार नंबर का होता है, तो मैक्सिमम मार्क 500 होता है। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन की। जो जीपेट का एग्जाम होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वह 3 आवर्स का होता है। इसके बाद मार्किंग स्कीम। जीपेट के एग्जाम में हमारे माइनस मार्किंग अवेलेबल होते हैं। एक करेक्ट आंसर के लिए हमको 4 नंबर मिलता है और एक गलत आंसर पे हमारे 1 मार्क कम हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है या एग्जामिनेशन फॉर्म कब आते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म हमारे नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं और जो जीपेट का एग्जाम होता है वह जनवरी के लास्ट वीक फोर्थ वीक में होता है। जो जीपेट का रिजल्ट होता है वह फरवरी के फर्स्ट मंथ में आता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की कि अगर हम जीपेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वह यह है कि हम मास्टर कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और दूसरा बेनिफिट यह है कि जो भी जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उनको गवर्नमेंट पर मंथ 12,400 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियली पुअर है उनके लिए यह एग्जाम बहुत ही बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की। जो जीपेट 2020 का कट ऑफ था वह जनरल स्टूडेंट के लिए 163, EWS स्टूडेंट के लिए 104, OBC के लिए 131, SC के लिए 103 और ST स्टूडेंट के लिए 76 था। अब बात करते हैं जीपेट स्ट्रेटजी की कि कैसे हम स्टडी करें कि हमारा जीपेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। यदि 2020 कट ऑफ की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है वह 163 है, यानी कि यदि हम 50 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं तो हमें 50x4 टोटल 200 मार्क मिल जाते हैं और हम जीपेट एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की कि जीपेट एग्जाम के लिए हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट की। मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे आते हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब जो सब्जेक्ट हैं इससे हमारे जीपेट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं। पहला है बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स और जूरिसप्रूडेंस। ये सब हमारे माइनर सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो यदि आप जीपेट एस्पिरेंट हैं तो आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट के साथ साथ बी फार्मा का पूरा सिलेबस भी अच्छे से स्टडी और प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।